हरिओम तत्सत। और एक बात समझ लेते हैं कि होली का दिन वो दारुण रात्रि में गिनती होती है, तो वो करुण रात्रि है। उसमें एक स्त्री जो होलिका का दहन हो गया, तो सब जो दानव लोग हैं वो कीचड़ डालते हैं एक दूसरे पर, और जो प्रहलाद बच गया उसकी खुशी में जो अच्छे लोग सत्य को मानने वाले वो गुलाल एक दूसरे पर छिड़कते हैं। और एक मजे की बात, उस दिन उस रात करना क्या चाहिए, तो उस रात आपको प्राणायाम करना चाहिए या तो ध्यान करना चाहिए, क्योंकि अधर्म पर धर्म का विजय हुआ, असत्य पर सत्य की विजय हुई। तो उस समय अगर आप प्राणायाम ध्यान करते हैं तो आप डीप में जा सकते हैं, आपको सत्य की अनुभूति हो सकती है, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। कई महात्मा लोगों को होली के दिन उसको सत्य की अनुभूति हुई है, सत्य की प्राप्ति हुई है। तो आप भी उस दिन जागरण करके खुद की साधना करनी चाहिए, उसमें प्राणायाम करो या ध्यान करो, ये दो चीज कर सकते हैं, बाकी कोई चीज मत करो। हाँ, अगर किसी को मंत्र जाप करना है मंत्र जाप कर सकते हैं, अगर कोई भी मंत्र आपको अनुकूल है वो मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो कोई भी ऐसा अच्छा काम करो जिससे आपकी प्रगति हो, तो साधना भी ऐसी करो जिससे आपका अहंकार ईगो कम होना चाहिए और आपकी प्रगति होनी चाहिए। अगर कोई साधना में आप करते हैं और अहंकार बढ़ता है तो आपकी साधना गलत है। तो ध्यान सबसे श्रेष्ठ है, आधे घंटे, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे या पूरी नाइट आप प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं, या कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा, क्योंकि वो रात्रि का भी महत्व है। अस्तु, हरिओम तत्सत।